ये क्या इस संसद सत्र में एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी का पहला पहला जो डिसीजन था, जो सेंगोल पे विवाद है, जो कहते हैं कि हम यहां संविधान को बचाने आए हैं, जो संविधान का हनन कर चुके हैं इस देश में 50 साल पहले, ये मैं पूछना चाहती हूं कि सच क्या है और सच दिखाया क्या जा रहा है? क्या इसमें कहीं कोई मेल है राजनीति में कहीं भी किसी भी पार्टी द्वारा? नविका जी, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा की इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर वापसी को सामान्य घटनाक्रम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अब चूंकि स्वयं पित्रोदा के नाम से वो खुद को कहते हैं, सब बुलाते हैं, तो भाई अपना नाम मैं कुछ भी रख लूं तो वही आप कल से बुलाने लगेंगी। लेकिन जिस व्यक्ति को सत्यनारायण गंगाराम नाम तक नहीं पसंद है, उस व्यक्ति के बारे में हम लोग टीवी पर बहस कर रहे हैं कि वो चाइनीज कहता है भारतीयों को, अफ्रीकी कहता है, यूरोपियन कहता है, मंगोलियन कहता है, कहां कहां की बात करता है। उस व्यक्ति के दिमाग में भारत के प्रति नफरत भरी हुई, उस व्यक्ति का भारत से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका में रहता है वो, सिर्फ और सिर्फ टीका टिप्पणी के लिए भारत को दुनिया में कहीं किसी मंच पर उनको बोलने के लिए मिलता है और वो भारत के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं। लेकिन यहां ये कोई फर्क नहीं डालता, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा हमारे लिए कोई है ही नहीं, लेकिन राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के और अब तो बाकायदा लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। वो राहुल गांधी बाकायदा उनसे दीक्षा लेने जाते हैं, वो राहुल गांधी जो इंटरनेशनल नेटवर्क है उसका कनेक्शन है स्वयं पित्रोदा। जब ऐसे आप समझेंगे तब समझ में आएगा कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को हटाने की हैसियत कांग्रेस पार्टी में किसी की क्यों नहीं है। और उन्होंने जो कहा था वो सामान्य बातें नहीं थी। ये सिर्फ इतना भर नहीं कि हमारी रेस बता दी, हमको अलग बता दिया, हमको दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आया हुआ बता दिया, सिख नरसंहार को उन्होंने सामान्य ठहरा दिया, हुआ तो हुआ। उन्होंने ये तक किया कि इस देश में जो इनहेरिटेंस टैक्स जिसकी चर्चा खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी वाले भी पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव सरकार बना चुके हैं अपने मुद्दों पर वो ऐसे गायब हो गए हैं कि राजा अयोध्या कहने के बाद भाजपा ने देश भर में एक भी प्रदर्शन नहीं किया। हैसियत होनी चाहिए किसी की। रावण का अहंकार नहीं था कि वो अयोध्या का राजा खुद को कह देता। अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद जो सांसद बन गए हैं उनको राजा अयोध्या कह दिया। जिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चार चार राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी, आज उस पर भाजपा एक आंदोलन तक नहीं कर रही। अयोध्या में भी धरना प्रदर्शन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी भूल गई है किस बुनियाद पर, किस मुद्दे पर, किस मामले पर वो यहां तक पहुंची है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये मुद्दा इतना भर नहीं है। इंटरनेशनल साजिश, इंटरनेशनल नेटवर्क जिस तरह से काम कर रहा था इस चुनाव में, उसका एक प्रमाण भर है। और सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को हटाने की हैसियत कांग्रेस पार्टी में किसी को नहीं, किसी की नहीं है। वो जो चाहे उसको हटा सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप हर्षवर्धन त्रिपाठी। मैं सबसे जवाब लेना चाहती हूं, मैं पूछना चाहती हूं अब्बास हैदर आपसे। सेंगोल पे कभी आपको चिंता होती है? कभी अवधेश को आप राजा अयोध्या का बताते हैं? इस देश में लोगों की जो भक्ति है, लोगों का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उन सब पर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को टीस क्यों पहुंचाना चाहते हैं? क्या ये एक सोचा समझा स्ट्रैटेजी है? नाविका जी, अगर अवधेश जी के नाम का अर्थ अखिलेश जी बता देते हैं तो समस्या हो जाती है। अगर अवधेश कोई का कह देता अर्थ है जय नहीं बता संविधान रहे थे, तो और उनके क्या साथ है? अवधेश जी खड़े हुए थे अवधेश और जी के उनकी तरफ नाम का दिखा अर्थ है रहे थे। ये और उनके नाम का मैं अर्थ आपको है? दिखा दूं, आप बताइए, इसमें एक शब्द भी ऐड किया उन्होंने तो बता दीजिए, आप एक शब्द भी जोड़ा हो, नाम का अर्थ है ये सीधा सीधा। नाम लेकिन का अर्थ इसमें है तो वो इसमें राजा अब का, आप उसका राजा कुछ और अयोध्या के देखिए, बन जाएंगे। अब अर्थ का अनर्थ आप निकाल लें तो उसके लिए अखिलेश जी तो जिम्मेदार नहीं नहीं हो नहीं सकते। तो क्या देखिए, अगर अखिलेश अगर अगर अवधेश जी को अयोध्या की जनता ने चुना है, हर्षवर्धन देखिए त्रिपाठी लोकतंत्र में तो राजा होता ही नहीं है, हम ये नहीं मानते। ये तो परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं कि लोकतंत्र में राजा होता है। अवधेश जी के नाम का अर्थ है वो, और वो अयोध्या के सांसद वाह है। वाह, अयोध्या की जनता ने इनको धूल चटा दी, अयोध्या की जनता ने इनको बाहर कर दिया। आप देखिए राम मंदिर में पानी टपक रहा है, जिसको इन्होंने अपना जो है राजनीतिक मुद्दा बनाया, उसके बारे में ये कुछ नहीं जवाब देंगे। अयोध्या की सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी भरा हुआ है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं है।
रामपत्र का बुरा हाल है। अवधेश राजा राम के नाम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन जो उन्होंने कहा है मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ और फिर हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ। मैं सुनवाना चाहती हूँ किस तरह से क्या कहा। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या, ये खड़े हैं हमारे साथ अवधेश जी, राजा अयोध्या। हर्षवर्धन त्रिपाठी, कहीं पर कोई डाउट है किसके बारे में कहा जा रहा है? देखिए नविका जी, मुश्किल यही होती है जब आप प्रवक्ता के तौर पर टीवी पर बैठते हैं और आपको कुछ नहीं सोचता है तो कोई रास्ता तलाशते हैं। अगर अवधेश उसको अयोध्या के ईश कहें या अवधेश कहें तो अखिलेश मतलब क्या हुआ? सत्यनारायण गंगाराम का मतलब क्या हुआ? और अगर आपको इन नामों के साथ इतना ही न्याय करना था तो जब प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा हो रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे? मजाक बना रहे थे। काशी विश्वनाथ धाम बन रहा था तो आप लोग मजाक बना रहे थे। और अरे वो जनता ने बता दिया, जनता ने बता दिया अपने वोट के माध्यम से। अभी भी हर्षवर्धन जी आप नहीं मानने को तैयार। आपके बीच में नहीं बोला। जब अखिलेश यादव ये कर रहे हैं तो इसको आप समझिए, वो हिंदुओं को बता रहे हैं कि देखो तुम जिस राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे, तुम जिस राम के लिए लड़ रहे थे, तुम जिस भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े थे उसको हरा दिया हमने। अमर्त सेन कह रहे हैं कि अयोध्या हारने से हिंदू राष्ट्र का विचार हार गया, ये अमर्त सेन कह रहे हैं। और अगर आप अमर्त सेन, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, इन सबको एक साथ मिलाकर देखें तो जो बार बार कहा जाता है कि भारत के लोग और भारत के नहीं है, जो विदेशी लोग हैं जो भारत पर हमला करते हैं भारत की संस्कृति और विरासत कर, तब आपको आसानी समझ में आ जाएगा। और सोचिए अखिलेश, बहुत बड़ी बात आपने कही, क्या ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसकी तरफ इशारा चुनाव के दौरान भी हुआ था? विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। शहजाद आर्य, मुझे भी कुछ कहना है। देखिए सबसे पहली चीज है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि संघ के लोग ज्यादा पढ़ते लिखते हैं। यहाँ पर सैम पेट्रोडा का क्या कंट्रीब्यूशन इस देश की साइंस और टेक्नोलॉजी में, हर्षवर्धन को पता ही नहीं है। डीओटी क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और उन 80 के दशक में क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया इस देश में सुपर कंप्यूटर के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। इनको ये भी नहीं मालूम है कि सैम पेट्रोडा की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्यों है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से है। इनको नहीं मालूम है, इनको बस ढूंढने हैं मौके राम का इशू उठाने के तो, और लोगों को क्रिटिसाइज करने। नहीं नहीं, तो अगर किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसके बाद वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी बुलाने का लाइसेंस पा जाता है? हाँ, अगर कंट्रीब्यूशन है भी तो भी क्या उनके पास लाइसेंस है कि वो दक्षिण के लोगों को अफ्रीकी बुलाए? शहजाद पूनावाला, देखिए इन्होंने कहा कि संघ के लोग ज्यादा, उन्होंने जवाब दे रहे हैं। अब सुनिए, अब आपने जो बात कहा, आपका तर्क मैंने सुना, शहजाद जवाब दे रहे हैं। विवेक जी केवल 30 सेकंड। सबसे पहले विवेक जी को पता होना चाहिए कि जिस जमात का वो प्रतिनिधित्व करते, लेफ्ट की जमात का, इन्होंने किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी और उदारीकरण का सबसे ज्यादा विरोध किया था। कंप्यूटर का विरोध इस देश में अगर किसी ने विरोध किया तो आपने किया। तो टेक्नोलॉजी का कभी नहीं किया। अरे भाई बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत उदारीकरण का किया, बीच में मत बोलिए। टेक्नोलॉजी का भी किया, आज भी आपकी आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही देखिए नाविका जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। दूसरा, अवधेश में राम खोजने वाले वही लोग हैं, सत्यनारायण गंगाराम ये जो पित्रोदा है इसने पता क्या बोला, राम राम नवमी और राम मंदिर आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। अग्री करते विवेक जी, अग्री करते अब्बास जी? और आप अवधेश जी को राजा अयोध्या मत बोलिए, उनको नवाब फैजाबाद बोलिए, क्योंकि अयोध्या की विधानसभा छोड़कर बाकी सारा फैजाबाद में जीते हैं, फैजाबाद सीट जीते हैं, तो वो नवाब फैजाबाद जरूर है, राजा अयोध्या बनने की उनकी हैसियत नहीं है, उनकी ना हैसियत है, उन्होंने तो जय श्री राम बोलने से मना कर दिया। नाविका, आप जैसे पत्रकार ने पूछा उनसे कि जय श्री राम बोलिए, माने पर पटका पहना हुआ था, उन्होंने बोला मेरे विचारधारा में ये नहीं आता। शपथ ग्रहण के समय भी जब जय श्री राम के कुछ नारे लगे तो लोग ने कहा जय अवधेश, मतलब राम से अवधेश की तुलना। मैं पूछना चाहती हूँ, अवधेश का मतलब राम होता है, अवध के ईश होता है, मैं सब समझती हूँ, हिंदी संधि विच्छेद सब आता है मुझे, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि आप जो मैसेज दे रहे हैं, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आ रही? देखिए जनता
बिल्कुल बेवकूफ नहीं, जनता समझदार है, लेकिन अगर हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो सबको आपत्ति हो जाती है, ये भगवान राम का नाम लेते हैं, भगवान राम के नाम पे राजनीति करते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होती है। जब भगवान राम जब अयोध्या की जनता जय श्री राम बोल तो दीजिए, हमें आपत्ति नहीं, आप जय श्री राम बोल दीजिए, हम हमारे आप जय श्री राम बोल दीजिए, हमें आपत्ति है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, जय श्री राम बोल दीजिए ना, हमारी मैं बता रहा हूँ, हमारे जय श्री राम बोल दीजिए तो सीताराम कहा जाता है, सीता और राम रावण ने सीता राम को अलग किया था भाई, और जय श्री राम भी हम कहेंगे, जय श्री राम भी हम कहेंगे। मैं कह रही हूँ मैं यहाँ बैठी हूँ, आपत्ति होने नहीं दूंगी, आप जय श्री राम बोलिए, बिल्कुल बोलेंगे हम, जय श्री राम में क्या है प्रॉब्लम, बोलिए। लेकिन हमारे लिए राजनीति नाविका बहुत अच्छी बात। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।